हेलो नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि 10वीं कक्षा पास किए हुए हैं अभी 2022 में और मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, भाई ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है विद्यार्थियों को और काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर कब तक मार्कशीट मिलेगी, तो इस पर बड़ी अपडेट निकल के आई है। भाई देखिएगा वीडियो को अंत तक। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक। यहाँ पर देखिएगा, प्रमाण पत्र न मिलने से दाखिले में दिक्कत, विद्यार्थियों को जमा करवानी है मार्कशीट की हार्ड कॉपी। दूसरे राज्यों व जिलों के संस्थान में दाखिले लेने वाले विद्यार्थी ज़्यादा परेशान है। भाई आपको बता दें, स्कूल पहुंच रहे हैं विद्यार्थी। 17 जून को हरियाणा बोर्ड ने अपना परीक्षा परिणाम जारी किया था। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है आपको बता दें, विद्यार्थी को 11वीं कक्षा में दाखिले लेने वाले में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया है। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जो कि घोषित होने के बाद 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है। ऐसे विद्यार्थियों को दाखिले में परेशानी पेश आ रही है। शुरुआत में विद्यार्थियों को रोल नंबर और यहाँ पे जो रिजल्ट थे उसके अनुसार प्रवेश दिए जा रहे थे, लेकिन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी जमा करवानी है, जो अभ्यर्थी की परेशानी बनी हुई है। 10वीं के जो यहाँ पे पॉलिटेक्निकल, आईटीआई व अन्य तकनीकी संस्थाओं में दाखिले लेने वाले इच्छुक विद्यार्थी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा परेशानी उन विभागों वाले कोर्सेज को हो रही है जो हरियाणा से बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ पर अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो भाई ताज़ा जानकारी ये मिली है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो तैयार कर लिए गए हैं बोर्ड की तरफ से और आपके प्रमाण पत्र स्कूल को भेज दिए जाएंगे इसी महीने। जी हाँ, 25 तारीख के बाद आपके प्रमाण पत्र आपके स्कूल में भेजे जाएंगे और आपको जो ये प्रमाण पत्र है 1 सितंबर से मिल भी जाएंगे भाई, ठीक है। यानी कि 1 सितंबर से आपको प्रमाण पत्र स्कूल में मिल भी जाएंगे। बड़ी अपडेट थी, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।